सनातन आठ धर्म की हवा भी नहीं है। ऋग्वेद की कॉपी है बताइए। आपको तमीज नहीं है बात करने की, आपको तमीज नंबर की तमीज नहीं बात करने की, आपको तमीज आ गई, आपको पेज नंबर बताइए ना, आपको तमीज आ गई, पेज नंबर बता, पेज नंबर बताइए ना, आपको बात करने, एक सेकंड। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपने देखा, ये आज इंडियन चैनल पर एक डिबेट हो रही थी, मुझे लगा कि ये वीडियो मतलब लोगों के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। रीज़न क्या है, कोई भी आकर आपने देखा होगा व्हाट्सएप फॉरवर्ड या सोशल मीडिया में पोस्ट कर देता है ऋग्वेद में ये लिखा, फलाना लिखा, ठिकाना लिखा, स्पेशली जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो ऐसा करते हैं, हालांकि उनको कुछ नॉलेज नहीं है, लेकिन वो व्हाट्सएप पे एक फेक इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है और शेयर कर दी जाती है, जिसको लेकर आप देख सकती हैं किस तरीके का रिएक्शन मैडम ने दिया है, और आगे आप पूरा रिएक्शन देखेंगे। इस वीडियो के बाद इस टॉपिक पर डिटेल में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा, मेरा रिएक्शन इस वीडियो के लास्ट में रहेगा, पहले पूरा वीडियो देखते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं हवाला दे रहा हूँ और सुनिए, एक एक सुभाषका सुभाषका कुछ करिए, एक एक पहले पहले रशीदी साहब अपनी बात को कंप्लीट कर ले, तारिक फतेह, तारिक फतेह, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लूं भाई, अरे मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। श्लोक पर ये व्हाट्सएप मैसेज से आप ऋग्वेद को मत डिफाइन करिए, श्लोक सुनाइए सुभाषका, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, बक करके आप लोग चले जाएंगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा, यहाँ पर नहीं, आप नहीं कर सकते। साइदा आके कुछ भी कैच करके चली जा रही है, माँ सीता और लक्ष्मण के बारे में आप कुछ भी बक के चले जा रहे हैं, कैमरा दिखाओ, कौन सी ऋचा की बात कर रहे हैं आप, पढ़िए आप वो ऋचा, पढ़िए, कहिए एक तो तमीज से बात करिए, वो श्लोक पढ़िए, कहिए एक तो तमीज से बात कीजिए, कैसे हुई आपकी बोलने की, तमीज से बात करे, क्या अगर आपको, अगर आपको सनातन धर्म का पता ही नहीं है, आपको जानकारी नहीं है, आपको सनातन धर्म की जानकारी नहीं है, ऋग्वेद के बारे में कुछ भी बकवास करके, आपको सनातन धर्म की जानकारी नहीं है, श्लोक पढ़ो आप, अमीश ये क्या है, आप श्लोक पढ़ो, मैं पौन घंटे में बोला हूँ और मैंने मैंने सच्ची बात रखी है और ये फिल्म आ गई, वो कह रहे हैं आप श्लोक के सामने, इनको आईना दिखा दिया, इनको आईना दिखा दिया, दीजिए तो जरा ऋग्वेद दीजिए, नहीं नहीं मैं आज फैसला करूंगी, ऋग्वेद लाइए वहां, मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, श्लोक बताइए, श्लोक पढ़कर सुनाइए, मैं आपको हवाला दे रहा हूँ, पेज नंबर 833 श्लोक पढ़िए, आपको चैलेंज करा जा रहा है, आप बताइए ऋग्वेद में कौन सा श्लोक है, उस श्लोक सामने रखिए, सुभाषका कह रही है मैं श्लोक सामने रखूंगी, ऋग्वेद की जहाँ तक हमें जानकारी है ये नहीं है उसमें कहीं, ओके आप बोलिए, एक सुभाषका आपने अपने वक्तव्य को रखा, ओके आप बोलिए रशीदी, आपको नहीं जानकारी है, रशीदी साहब बोलिए, मैं आपको अमीश देवगन, अमीश देवगन, अरे तो श्लोक पढ़कर सुनाओ, बताइए ना, संस्कृत के लिए बहुत ज्ञानी प्रकांड विद्वान बन रहे हैं, मैं कैमरामैन से, अरे कैमरामैन थोड़ी श्लोक बताएगा, श्लोक आपको बताना पड़ेगा, कैमरामैन से देख रहे हैं, नहीं नहीं मेरी किताब दिखाएं, अरे क्या किताब दिखाएंगे आप किताब पर, आपको मैं मौका देता हूँ किताब को उठा के लाइए, दिखा दीजिए, आप नहीं हो जाता सुभाषका, किताब लिखाने दिखाने तैयार है, सच नहीं हो जाता, ऐसे चिल्लाने से झूठ सच नहीं होता, मेरे पास नहीं, मेरे पास चिल्लाने से झूठ सच नहीं होता, अरे कौन सा, पढ़िए ऋग्वेद को, पढ़िए सनातन धर्म को, आपको तो सनातन धर्म की हवा भी नहीं है, आपको सनातन धर्म की हवा भी नहीं है, आपको ऋग्वेद की कॉपी है बताइए, आपको तमीज नहीं है बात करने की, आपको तमीज नंबर की तमीज नहीं बात करने की, आपको तमीज आ गई, आपको मैंने तमीज आ गई, पेज नंबर बताइए ना, आपको बात करने, एक सेकंड, आपको तमीज से बात करने की, पेज नंबर बता, आपके तमीज से बात करने की, पहले तो आप माफी मांगिए इस बात के लिए, आप क्या बता, क्या बता बता क्या कर रही है, बता बता क्या कर रही है, शिव को लेकर बहुत ही बता बता क्या कर रही है, और आज आज आपको तमीज से बात करने नहीं सकती, आपको तमीज है बात करने की, चैलेंज करती हूं तू बता किस पेज, आपको तमीज है बात करने की, नहीं पहले तमीज सीखिए, तो मुझे पेज नंबर, पहले तमीज सीखिए, मेरे पास कोई तमीज नहीं है, अरे पहले तमीज सीखिए, मैं कोई तमीज नहीं रखूंगी, पहले तमीज सीखिए, पेज नंबर बता, श्लोक बता, मोहतरमा तमीज सीखिए, एक सेकंड, आपने देखिए, एक सेकंड, मैं निवेदन कर रहा हूँ, सुभाषका, सुभाषका, आज आज मेरे लिए बहुत नहीं, आप स्क्रीन पे सुभाषका, जाहिलों के साथ ऐसे नहीं कर सकती, जो नेशनल टेलीविजन पर आपको चैलेंज किया गया है, बोला ना रशीदी, और मैं हिंदू भाई बहनों से आह्वान कर रहा हूँ।
करना चाहती हूँ। मौलाना रशीद जी, हिंदू भाई बहनों से सुभाषरा इस तरीके की बदतमीजी कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए आपने आपने ऋग्वेद को कोट करा, यू स्टार्टेड इट, आपने बोला ऋग्वेद में ये लिखा है, आपने बोला ऋग्वेद के फलाने पेज में लिखा है। सुभाषरा ने सिंपल बात बोली, आप मुझे दिखाइए, मेरे पास ऋग्वेद की कॉपी है, आप मुझे बताइए कौन से पेज पे क्या लिखा है, मैं वो श्लोक पढ़ के सुनाती हूँ। अगर आपको पता तो आप सुना दीजिए। एक सेकंड सुभाषरा, होल्ड ऑन, आई विल टेल माय व्यूअर्स व्हाट हैपेंड, होल्ड ऑन, ओके, होल्ड योर। तो दोस्तों आपने ये देखा वीडियो, मैडम सुभाषरा बिहार की हैं, आपने काफ़ी इनको टीवी डिबेट्स पर देखा होगा और इनका जो रिएक्शन था मेरे हिसाब से तो बहुत सही था। आपने देखा होगा कई जगह यूट्यूब कमेंट सेक्शन, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप, इन पर एक इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है, एक इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है कि ऋग्वेद में ये लिखा, फलाने भगवान ने ये किया, और ठिकाना ये वो जी, मतलब पूरी तरह से फेक इन्फॉर्मेशन। अब होता क्या है, जिन लोगों ने ऋग्वेद पढ़ा नहीं है या नॉलेज कम है, ऑब्वियसली हिंदू धर्म में एक तो इतने नॉलेजेबल, इतना बड़ा, इतनी पुस्तकें, इतना सब कुछ है कि लोग एक एक चीज़ें तो डिटेल में पता लोगों को रहेंगी नहीं, आपको भी पता है। तो कुछ भी जो जाकिर नाइक स्टाइल आपको पता होगा ना, जाकिर नाइक स्टाइल पेज नंबर 2, 4 नंबर ये 5, 6 में ये लिखा है, भले उसमें डिटेल में जाकर कोई इतना चेक नहीं कर रहा है, रीचेक नहीं कर रहा है वो फैक्ट्स, बट सामने वाले के साथ इतना कॉन्फिडेंस है आप बोलो कि सामने वाले को आपका झूठ भी आपको ऐसा लगे कि वो सच है। तो वही सीन हो रहा था, बट मैडम जो थी वो ऑब्वियसली उनके पास ऋग्वेद है और शायद उन्होंने पढ़ा भी हुआ है। जैसे ही मौलाना ने ऐसा कुछ कोट किया और वो गलत था, ऑब्वियसली इतनी गंदी गंदी बातें ये कोट करते ना, ये अपने मतलब इनकी अगर कुछ डिसरेस्पेक्ट करो ना, जो सच बात भी है जो कि आपको पता है, जो अभी नूपुर शर्मा ने एक सच बात बोली थी उसको लेकर इनको बुरा लग जाता है, लेकिन ये लोग खुद फेक न्यूज, घटिया झूठी इन्फॉर्मेशन लाइव शो में आकर हिंदू देवी देवताओं के बारे में उल्टा सीधा बोलकर निकल जाते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। मैडम का अच्छा रिएक्शन था, मौलाना की कोई भी इज्जत होनी नहीं चाहिए। हालांकि यार मैं एक चीज़ बता रहा हूँ यार, मैंने टीवी डिबेट्स देखना बहुत, मतलब ये न्यूज़ में डिबेट देखना बहुत लंबे समय से बंद किया हुआ, बट ये एकदम से मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा यार, काफ़ी दिन बाद देखा, अवेयरनेस आनी चाहिए, आपको लड़ना चाहिए। अभी आप देख रहे होंगे एक सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर एक फॉरवर्ड चल रहा है, क्या चल रहा है, दिवाली पर जिस भी दुकान में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर छपे हुए बम फटाके मिलेंगे उन पर एक्शन लिया जाएगा, जो कि बिल्कुल अच्छी बात है, सही बात है भाई। क्यों तुम लक्ष्मी बम के नाम पर लक्ष्मी जी की फ़ोटो बम पर लगा रहे हो और हम उस पर आग लगा रहे हो, फट रही हो, हम बेवकूफ़ थे, आप में से सभी ने ये गलती की होगी, बट अब अवेयरनेस आ गई है, आपको ऐसा नहीं करना है, नहीं तो आप ही अपने धर्म की डिसरिस्पेक्ट करोगे, तो दूसरा तो फिर तो वो तो चाह ही रहा है कि आपका धर्म में आग लगाएं और इस तरीके से की चीज़ें करें, और ये लोग तो बेवकूफ़ हैं, इनको तो कुछ बोलना आता नहीं है, ये तो चुप ही रहेंगे, तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल कोई गलत नहीं है, बिल्कुल भी गलत नहीं है। बम फटाके ये जो हैं ये ऐसे बम नहीं आने चाहिए, बिल्कुल नहीं आने चाहिए। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। और जिस तरीके का मैडम का मौलाना को लेकर रिएक्शन था, बहुत अच्छा लगा मुझे। अगर आप इस तरीके की डिबेट्स चाहते हैं इस चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।